नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने निरगुंडी का पौधा लेकर हाजिर हुआ हूं और आज मैं आपको इसी निरगुंडी के फायदे के बारे में बताऊंगा कि यह निरगुंडी का पौधा हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। तो आओ चलो दोस्तों अब इसके फायदों के बारे में जान लें कि इस निरगुंडी को हम किस रोग में किस तरह से उपयोग करेंगे तो वह रोग ठीक हो जाएगा। दोस्तों आयुर्वेदिक ग्रंथ के अनुसार निरगुंडी कफ और वात को नष्ट करता है, दर्द को कम करता है, त्वचा रोग में फायदेमंद है, सूजन को कम करता है, घाव को ठीक करता है। यह निरगुंडी कई तरह के बैक्टीरिया और कीड़ों को मारने का काम करता है। स्त्रियों के मासिक धर्म में फायदेमंद है, दर्द और सूजन को दूर करता है, लीवर के लिए फायदेमंद है। यह बुखार, साधारण बुखार, टाइफाइड बुखार को भी ठीक करता है। इसके फूलों के सेवन से उल्टी रोग शांत होता है। इस तरह से यह निरगुंडी एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधि है, बहुत सारे रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। अब मैं आपको विस्तार तरीके से बताता हूँ कि किस रोग में किस तरह से इसका उपयोग करना है और कितने मात्राओं में करना है ताकि वह रोग जड़ से ठीक हो जाए। दोस्तों इसके पत्तों को काढ़ा बनाकर कुल्ली करने से मुंह के छाले ठीक होते हैं और अगर मसूड़े कमजोर हैं या फिर मसूड़ों से खून मवाद आता है तो भी आप इसके पत्तों के काढ़ा बनाकर कुल्ली करें तो मुंह के छालों के साथ साथ में दांतों के रोग भी ठीक होते हैं। और अगर गले के अंदर इन्फेक्शन है तो इस निरगुंडी के पत्तों में एक चम्मच नमक डालकर एक गिलास पानी में पकाकर गरारा करने से गले का इन्फेक्शन, गले का खराच और सूजन दूर होता है। अगर किसी के कान में दर्द होता हो तो इस निरगुंडी के पत्तों को पीसकर इसका स्वरस निकाल ले और उस स्वरस को सरसों के तेल में पकाकर वह तेल रख ले। दुखते हुए कान में दो दो तीन तीन बूंद डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है, वह भी तुरंत के तुरंत। तो दोस्तों इस निरगुंडी में फल भी लगता है, वह फल मेहंदी के बीज के जैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों अगर किसी के सर में हमेशा दर्द होता हो तो निरगुंडी के फल को पीसकर पाउडर बना लीजिए। 2 ग्राम या 4 ग्राम पाउडर को शहद में मिलाकर दिन में 2 बार या 3 बार चाटने से सर का दर्द जड़ से ठीक हो जाता है कुछ दिनों के अंदर। और हाँ दोस्तों दूसरा उपाय निरगुंडी का यह है कि इसके पत्तों को पीसकर माथे पे लेप करने से भी सर दर्द ठीक होता है। दोस्तों इस निरगुंडी के बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको एक एक फायदे बताता जा रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनते जाइए। दोस्तों इस निरगुंडी के काढ़े को फटे हुए होंठ में लेपन करने से लगाने से फटे हुए होंठ मुलायम और चिकने हो जाते हैं। और इस निरगुंडी के जड़ को जल के साथ पीस कर छान कर एक या दो बूंद नाकों के रास्ते दिमाग के अंदर डालने से गंठमाला रोग ठीक होता है और गले का भी दर्द जाता है। और गले के अगल बगल किसी भी प्रकार का गांठ हो तो वह गांठ भी धीरे धीरे टिघल जाता है अगर आप निरगुंडी के पत्तों का रस निकालकर नाकों के अंदर डालते हैं तो। दोस्तों पेट रोग भी यह काफी फायदेमंद माना जाता है। निरगुंडी के पत्तों को पीस कर 10 ml रस निकाल लीजिए और उस 10 ml रस में 2 काली मिर्च पीस कर डाल दीजिए और 2 चुटकी अजवाइन का पाउडर पीस कर डाल दीजिए और सादे जल के साथ सुबह शाम सेवन कीजिए तो पाचन क्रिया मजबूत होगा, पेट में होने वाला गैस दूर होगा, अपचन दूर होगा, भूख खुलेगा। दोस्तों इस निरगुंडी के सेवन से तिल्ली रोग और लीवर रोग भी ठीक होता है। अगर किसी का विषम ज्वार यानी टाइफाइड की वजह से तिल्ली बढ़ गया हो या फिर लीवर में सूजन आ गया हो तो आप 2 ग्राम निरगुंडी के पत्तों का चूर्ण और 1 ग्राम हरड़ 10 ml गौमूत्र के साथ मिलाकर पीने से टाइफाइड बुखार और तिल्ली लीवर के सूजन में फायदा होगा और टाइफाइड बुखार उतर जाएगा। और दूसरा उपाय यह है विषम ज्वार उतारने के लिए और टाइफाइड को दूर करने के लिए 2 ग्राम निरगुंडी का चूर्ण ले लीजिए और काली कुटकी 5 ग्राम रसोत सबको मिलाकर सुबह शाम सेवन करें तो टाइफाइड बुखार और काला ज्वार विषम ज्वार जड़ से नष्ट हो जाएगा। दोस्तों स्त्रियों के मासिक धर्म के विकार को भी ठीक करने का काम करता है या निरगुंडी के बीज।
इस बीज को सुखाकर पाउडर बना लीजिए यानी चूर्ण बना लीजिए और सुबह शाम 2-2 ग्राम चूर्ण को सादे जल के साथ सेवन कीजिए तो मासिक विकार दूर होगा। और अगर किसी स्त्री को डिलीवरी का समय हो तो आप इसके पत्तों को पीसकर स्त्रियों की नाभि, बस्ती प्रदेश और योनि के इर्द गिर्द पर लेप कीजिए तो डिलीवरी बड़ा आसानी से हो जाएगा, यानी प्रसाद सुखपूर्वक होगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, यह निर्गुंडी सुजाक रोग भी काफी फायदेमंद माना जाता है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर सुबह शाम सेवन किया जाता है करीबन 20-20 ml तक। तो इसके सेवन से पेशाब खुलकर होता है, पेशाब के अंदर जो दर्द हो, चिलकन हो, वह सब दूर हो जाते हैं। काढ़ा बनाने का तरीका यह है कि करीबन 20 ग्राम तक निर्गुंडी के पत्ते ले लीजिए या फिर बीज ले लीजिए या फिर छाल ले लीजिए, तीनों में से कोई भी मिलता ले लीजिए, नहीं तो तीनों भी मिला सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। और फिर 400 ml तक पानी डालकर आप उसे पकाइए, 3 हिस्सा जला दीजिए, 1 हिस्सा बचा लीजिए, जो हिस्सा बचता है उसे आप धीरे धीरे चाय जैसा पिला दीजिए। यह उपाय दिन में 2 या 3 बार करने से सुजाक रोग में काफी फायदा होता है। और हाँ दोस्तों, 40 ग्राम निर्गुंडी के बीज को 20 ग्राम सौंठ के साथ मिलाकर पीस लीजिए और पीसकर 8 खुराक में बांट लीजिए और रोज 1 खुराक सेवन कीजिए दूध के साथ में, तो काम शक्ति बढ़ेंगे। और अगर निर्गुंडी के छाल या जल को पीसकर और 2 नग लौंग डाल लें और करीबन 1 रत्ती जायफल का पाउडर डाल लें और उस लेप को आप शीशन के ऊपर लेपन करें, लेप करें, लगाए तो शीशन के नस मजबूत होंगे और शीशन का ढीलापन दूर होगा, ऐसा आयुर्वेदिक ग्रंथ में बताया गया है। यह निर्गुंडी हमारे शरीर में होने वाले बहुत सारे बीमारियों को नष्ट करता है, इसीलिए आयुर्वेद में इसका बड़ा नाम है। दोस्तों, अगर किसी को दर्द हो, गठिया का सूजन हो, जोड़ जोड़ में दर्द हो, कमर में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो, तो आप निर्गुंडी के पत्तों को काढ़ा बनाकर 20-20 ml दिन में 3 बार सेवन करें तो आपके शरीर का दर्द दूर हो जाएगा। और अगर इस निर्गुंडी के जड़ को या फिर इसके छाल को सरसों के तेल में पकाकर दर्द के स्थान पर मसाज करते हैं तो भी दर्द में आराम मिलेगा। अगर आपको सरसों का तेल नहीं मिलता है तो आप जैतून का तेल या फिर तिल के तेल में भी इसे पका सकते हैं। अगर निर्गुंडी के पत्ते आपको नहीं मिलते हैं, छाल नहीं मिलते हैं, तो आप जड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बीज को भी पका सकते हैं। अगर बीज मिल जाए तो और भी अच्छा आयुर्वेदिक औषधि दर्द का तैयार होगा। और जब निर्गुंडी के पत्तों से पका हुआ तेल का मसाज करें तो मसाज करने के बाद थोड़ा गर्मा कर कपड़ा बांध दे लपेट कर तो दर्द में और भी राहत मिलेगा। दोस्तों, चोट मोच में भी आप निर्गुंडी के पत्तों को पीस कर गर्मा कर कपड़ा लगाकर बांधते हैं तो चोट मोच में भी आराम मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी को हाथी पांव फलेरिया हो गया है, फलेरिया रोग में क्या होता है, पैर हो या हाथ हो बहुत ही फूल जाता है, उसके अंदर चर्बी और पानी की मात्रा भर जाता है जिसके वजह से वह हिस्सा बहुत ही वजनदार हो जाता है, उसे हाथी पांव कहते हैं या फिर फलेरिया, तो उस रोग में आपको क्या करना है, धतूरा लेना है, एरंडमूल लेना है, संभालू लेना है, पुनर्वा लेना है, सहजन की छाल लेना है और निर्गुंडी लेना है। सबको सरसों के तेल में मिलाकर पीसकर लेप बनाकर हाथी पांव के ऊपर लेप कर दीजिए तो कुछ ही महीनों के अंदर वह हाथी पांव ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इस निर्गुंडी के जड़ फल और पत्तों को पीसकर स्वरस निकाल ले, स्वरस करीबन 30 ml तक निकाल ले और 30 ml स्वरस में 30 ग्राम गाय का घी मिलाकर उस घी को पकाए, पकते पकते जब स्वरस जल जाए तो उस घी को निकालकर सेवन करें और ऊपर से 500 ml दूध पिए तो पुरुषों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, शरीर हष्ट पुष्ट होगा और वीर्य गाढ़ा होगा और दुर्बलता भी दूर होगा, इतना फायदेमंद होता है। दोस्तों, या निर्गुंडी जो आप देख रहे हो, देख लीजिए, पहचान लीजिए, इसके 2 प्रजाति होते हैं, एक सफेद फूल वाला होता है और एक नीला फूल वाला होता है। सफेद फूल वाला दुर्लभ है, जल्दी दिखाई नहीं देता है, लेकिन नीला फूल वाला आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, इस निर्गुंडी के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम भी हैं, मैं आपको
अलग अलग भाषाओं में नाम भी बता दे रहा हूँ ताकि इस पौधे को देखकर इसके नाम से इसे जान सके और पहचान सके। दोस्तों, इस निर्गुंडी को अंग्रेजी में सेस्ट ट्री के नाम से जाना जाता है और हर्ष सुवाइटेक्स भी कहा जाता है। हिंदी में संभालू, संभालू, संदुआर, सिनुआर और मेवड़ी के नाम से जाना जाता है। संस्कृति में इसे निर्गुंडी कहते हैं, सिंधुआर कहते हैं, इंद्र सूरस कहते हैं, इंद्रिक कहते हैं। उड़िया में इसे इंद्राणी कहते हैं और बेगुंडिया कहते हैं। कन्नड़ में बेली निक्की बोलते हैं, गुजराती में नगोंडा कहते हैं या फिर नगड़ कहते हैं, तमिल में नोची बोलते हैं या फिर कोरी नुच्ची बोलते हैं, तेलुगु में नलावा बिली बोलते हैं, बंगाली में निशिंदा और समालू, नेपाली में सेवाली बोलते हैं, पंजाबी में बन्ना और मरवन, मराठी में लिंगूर कहते हैं, मलयालम में नोची, अरबी में उसलाक कहते हैं, फारसी में सिसबन या फिर पंजा गुस्त। तो दोस्तों, इस तरह से जितने भाषाएं हैं उतने सारे इस जड़ी बूटी, इस पौधे के नाम है। आप इसे किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अधिक ठंड में काम करने की वजह से हाथ पैर में छाले पड़ जाते हैं, उंगलियां सड़ने लगते हैं या फिर पैरों में जख्म हो जाते हैं, उन जख्मों से खून निकलने लगते हैं, उस रोग को बीवाई रोग भी कहते हैं। तो उस रोग में भी आप इस निर्गुंडी के पत्तों को सरसों के तेल में पकाकर और उस तेल में गाय का घी मिलाकर मलहम बनाकर अगर आप फटे हुए हाथ पैर, एड़ी या फिर बारिश के पानी या अधिक ठंडे लगने की वजह से जो हाथ पैर में बीमारी पैदा हुआ है बीवाई का, उसमें अगर आप लगाते हैं तो वह रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस निर्गुंडी के पत्तों को पीस कर गर्म करके अंडकोश पे बांधने से हाइड्रोसील रोग भी ठीक होता है। तो चलो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।